खरगोन जिले के सेगांव मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर ग्राम रसगांव के निवासी जो सेगांव आदिम जाति सेवा संस्था में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर है, वह कोरोना पॉजिटिव निकला है, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया है। जिसके तहत तहसीलदार राजेश पाटीदार, नायब तहसीलदार राकेश बड्डे, चौकी प्रभारी राजेंद्र अवस्या, BMO मनीषा मंडलोई ग्राम रसगांव पहुंचकर गांव को सैनिटाइज किया और इस इलाके को सील कर दिया। इसी तरह उनके संपर्क में आने वालों की सैंपलिंग की जा रही। जैसा कि मनीषा मंडलोई ने बताया कि उनके संपर्क में 19 लोगों का सैंपल लिया गया है। सेगांव से संजय जायसवाल और गौरव दसंदी की रिपोर्ट। आज कोरोना पॉजिटिव रसगांव में पाया गया, इसके क्या कार्रवाई? जो रसगांव में दिलीप कानून को आज पाया गया गांव में, उसके जो घर था उसके आसपास कंटेनमेंट एरिया घोषित करके उसका सारे रास्ते बंद कर दिए गए। और दिलीप कानून को आइसोलेट क्वारंटाइन के लिए देवला रोड से खरगोन भेजा गया है। बाकी जो लोग यहाँ पे उसके कांटेक्ट में थे उनकी सारी कांटेक्ट लिस्ट बनाई गई है और सबके सैंपलिंग के लिए 2 टीमें लगाई गई हैं। सर, ये पॉजिटिव रिपोर्ट कब आई? पॉजिटिव रिपोर्ट आज कल शाम को आई है और उसकी सूचना हमें रात में मिल गई थी। सारी टीम बुलवा के उनके सबके सैंपलिंग करवा रहे हैं जो आसपास उनके कांटेक्ट में थे और जहाँ तक वो कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है उसके आसपास भी सभी सीमाओं को सील करके उनके आसपास वालों के सैंपलिंग किए जा रहे हैं। और ये कार्यरत था सेगांव? ये सेगांव में जिला सहकारी बैंक में ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था और परसों तक ये वहाँ पर गया था। क्या नाम लिखते हैं? राधेश्याम पाटीदार, तहसीलदार सेगांव। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।